इतना चुप क्यों थे शाइनी? क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड राहुल ने प्रतीक से मेरी बुराई की। अच्छा, तो अब मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। अरे बच्चों, मगर तुमको कैसे पता? मुझे अरुण ने बताया कि राहुल ने प्रतीक से मेरी बुराई की। अरे तुम ऐसे नहीं समझोगे, लगता है तुमको कहानी सुनानी पड़ेगी। एक गांव में घनश्याम नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। कुछ ही दिनों में उनका एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम वो अंकुर रख देते हैं। एक दिन जब किसान अपने खेतों से घर लौट रहा होता है, तो उसे एक कुत्ते का पिल्ला दिखाई देता है। वो उसे अपने साथ घर ले आता है। अरे, आप इस कुत्ते के पिल्ले को घर क्यों लेकर आ गए? ये अकेला रो रहा था, काफी बीमार और कमजोर भी लगा मुझे, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। मगर इसे हम यहाँ नहीं रख सकते, अंकुर बहुत छोटा है। तो क्या हुआ, ये और अंकुर एक साथ बड़े होंगे। तुम चिंता मत करो, ये बड़ा होकर घर का और अंकुर का दोनों का ध्यान रखेगा। ठीक है। सीता अंकुर और सोनू दोनों का ध्यान रखने लगती है। दोनों एक साथ बड़े होने लगते हैं। देखते ही देखते 7 महीने बीत जाते हैं और सोनू अब बड़ा हो जाता है। सीता भी अंकुर को सोनू के भरोसे छोड़ने लगती है। सोनू, मैं सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा रही हूँ, पीछे से तुम अपने भाई अंकुर का ध्यान रखना। सोनू सोए हुए अंकुर की निगरानी कर ही रहा होता है, तभी थोड़ी देर में एक सांप घर में घुस जाता है। वो अंकुर के पास दूध देखकर उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि सोनू उस पर धावा बोल देता है। दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है और सांप मर जाता है। मगर इस लड़ाई में सोनू के मुंह में खून लग जाता है। तभी थोड़ी देर में दरवाजा खोलने की आवाज आती है। सोनू, ए सोनू, देख, मैं तेरे लिए बाजार से आज ब्रेड और बिस्किट लाई। अरे, तेरे मुंह में ये खून कैसे लगा? हे भगवान, कहीं तूने मेरे अंकुर को कुछ कष्ट तो नहीं दिया? छोड़ मेरी साड़ी, मेरे प्यार का ये बदला दिया तूने, आज तुझे सबक सिखाती हूँ। सीता पास ही पड़ी एक लकड़ी उठा लेती है और सोनू को बहुत मारती है। सोनू बार बार कमरे की तरफ इशारा करता है। सोनू घबरा कर घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। चला जा यहाँ से और आज के बाद कभी यहाँ मत आना। हताश सोनू वहाँ से चला जाता है और सीता कमरे में अंदर जाती है तो मरे हुए सांप को देखती है और उसके पास ही अंकुर अपने खिलौने के साथ खेल रहा होता है। ये सब देखकर सीता की आंखें खुली रह जाती हैं और वो तुरंत बाहर भाग कर आती है। सोनू, ए सोनू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना गलत समझा, अपनी माँ को माफ कर दे। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सोनू हमेशा के लिए
वहां से जा चुका होता है। सीता हमेशा सोनू की प्रतीक्षा करती रहती है, मगर सोनू कभी नहीं लौटता। तो शाइनी, कुछ समझे? हाँ माँ, समझ गया। पूरी बात जाने बिना कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, और हमेशा किसी के बारे में धारणा बनाने से पहले बातों की पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। यस माँ। तो चलो, अब तुम और साशा यूनिफॉर्म चेंज कर लो और बाहर फुटबॉल खेलने जाओ। ये फुटबॉल टाइम। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।